वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को कहां कहां प्रमोट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिन तरीकों से आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से राइट एफिलिएट प्रोडक्ट चूज़ करना है जो आप प्रमोट कर सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एंड वेयर यू शुड प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड जो होता है वो है ब्लॉगिंग। जी हाँ, ब्लॉगिंग सबसे इफ़ेक्टिव और मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है जो कि एफिलिएट मार्केटर्स यूज़ करते हैं। इस मेथड में आप एक निश साइट बनाते हैं, माइक्रो निश साइट जो कि आप क्रिएट करेंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस पे जाके इजीली वेबसाइट बना सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे ईजिएस्ट वर्डप्रेस है। सो एक वेबसाइट आप बना सकते हैं और उस वेबसाइट पर आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किए हैं उसके रिव्यूज़, कंपैरिजन एंड उससे रिलेटेड और भी उसके अराउंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो कि लोगों को वैल्यू दे, उनकी हेल्प करे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके डाउट्स, उनके कन्फ्यूजन्स को दूर करे। एंड वहाँ पर आप अपने एफिलिएट लिंक्स को भी प्रमोट करेंगे। और जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्लॉग वैल्यू देता रहेगा और वो ग्रो करता रहेगा, आपकी नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ेंगे एंड वहाँ से आपको सेल्स एंड रेवेन्यूज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एंड सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। देन इसके बाद आता है नंबर टू पे YouTube। आप YouTube पे भी एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स रिव्यूज़ करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं टेक प्रोडक्ट्स के, मोबाइल फ़ोन्स के एंड और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करते हैं और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करते हैं उसको परचेज़ करने का। सो वो जो लिंक्स होते हैं वो सारे एफिलिएट लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू उन्हें कमीशन मिलता है। हालांकि इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमें अगर हम अपने एंड से जाके ख़रीदेंगे तब भी हमें वो वही प्राइस पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमें उन पर ट्रस्ट है, हमने उनका रिव्यू देखा, हमने उनका कंपैरिजन, उन्होंने जो चीज़ें बताई वो हमें समझ में आई, तो हम उनके लिंक से जाके प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और उसके बदले उन्हें कमीशन मिल जाता है। तो YouTube भी एक अच्छा मीडियम हो सकता है। अगर आप YouTube पे कंसिस्टेंट हैं, आपकी एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए। सो ये नंबर टू मेथड हो गया। सो तीसरा मेथड है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। हालांकि ये मेथड उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, बट स्टिल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पे इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह के कम्युनिटीज़ एंड इस तरह के पेजेस फॉलो एंड लाइक करने पड़ेंगे जो कि आपके निश से रिलेटेड हो। कोई कम्युनिटी है, जैसे फेसबुक पे आप जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। सो आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर लोग आपके निश में इंटरेस्टेड हों, उनकी उनकी डाउट्स हों, उनकी क्वेरीज़ हो, आप उस पर एंगेज कर सकते हैं लोगों के साथ। जो लोग डाउट्स एंड क्वेरीज प्लेस करते हैं आप उनके आंसर दें, उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व करें और इस प्रोसेस में आप उन्हें प्रोडक्ट्स रिकमेंड भी कर सकते हैं, अपने एफिलिएट लिंक वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे कि आपको रेवेन्यू एंड कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा पिची नहीं होना है कि हर जगह आप जहाँ भी जो भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट लिंक्स ही प्रोवाइड करते रहें हर एक कमेंट, हर एक पोस्ट में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादातर ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती और वो आपको ब्लॉक कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पर एंगेज करें, वैल्यू प्रोवाइड करें एंड आप 80-20 रूल फॉलो कर सकते हैं। एट टाइम्स आपको वहाँ पर
वैल्यू देनी है एंड टू टाइम्स आप रिकमेंड करेंगे, कोई एफिलिएटिंग वहाँ पे देंगे। जब इस तरह से आप अप्रोच करेंगे तो आप ज़्यादा ऑथेंटिक लगेंगे एंड आप रियल में एक प्रॉब्लम सॉल्वर लगेंगे, ना कि सिर्फ एक स्पैमर जो कि वहाँ पर अपना एफिलिएट प्रोडक्ट ही सेल करने के लिए आया है। तो इस तरह से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में प्रोफाइल बना के कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स ज्वाइन करके वहाँ पर भी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो फोर्थ मेथड है वो है ईमेल्स। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है एंड एक बहुत ही फेमस कोट है जिसे कहा जाता है कि द मनी इज़ इन द लिस्ट एंड लिस्ट इज़ ईमेल लिस्ट। सो आप ईमेल लिस्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए आप अपना ब्लॉग या यूट्यूब चैनल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर डेली विजिटर्स आते हैं। अगर आपके पास विजिटर्स हैं तो आप उनका ईमेल एड्रेस ले सकते हैं ऑप्ट इन फॉर्म्स के थ्रू और वो आपको अपना नेम एंड ईमेल एड्रेस जब दे देते हैं तो आप ऑटो रिस्पॉन्डर्स में उनको ऐड करके रेगुलरली फॉलोअप कर सकते हैं, उनके साथ उनको कुछ वैल्यू दे सकते हैं वहाँ पर एंड इन दिस प्रोसेस आप वहाँ पर उन्हें प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स ईमेल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा कमीशन्स अर्न करते हैं वो वहाँ से। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है एंड लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि आपकी ईमेल लिस्ट आपके पास हमेशा रहती है। आदमी अपना फ़ोन चेंज कर देता है, घर चेंज कर देता है, लेकिन ईमेल एड्रेस जनरली आदमी चेंज नहीं करता। तो आप उनके साथ लंबे समय तक कनेक्टेड रह सकते हैं और अगर आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं तो वो आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज लेने से भी बिल्कुल परहेज़ नहीं करेंगे एंड एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। पेड एड्स, आप पेड एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं, आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन जब आप पेड एड्स रन करेंगे तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी एफिलिएट लिंक को डायरेक्टली प्रमोट नहीं करना है क्योंकि ना फेसबुक और ना ही गूगल इनकी पॉलिसी के ये अगेंस्ट है कि आप डायरेक्ट कोई एफिलिएट लिंक पेड एड्स के थ्रू प्रमोट करें। आपको अपना ब्लॉग या अपने जो भी आपने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, मोस्टली ब्लॉग हो सकता है वो, उसको उसमें वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है यूज़र के लिए एंड उस पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं या उसको आप पेड ऐड के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। यूज़र्स अगर उसको यूज़फुल मानते हैं और वो उन्हें वहाँ से वैल्यू मिलती है तो वो आपके लिंक पे क्लिक करके जाएंगे और वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेंगे एंड आपको कमीशन मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्टली आप एफिलिएट लिंक्स ना ही गूगल एड्स और ना ही फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। तो पेड एड्स एक काफ़ी अच्छा मेथड है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स जनरेट की जा सकती है यहाँ से, लेकिन इन द बिगिनिंग आपको ये नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। पहले आपको ऑर्गेनिक मेथड्स यूज़ करने चाहिए। अपने ब्लॉग में कंसिस्टेंट रहिए, जो भी ब्लॉग क्रिएट करिए उसमें वैल्यू प्रोवाइड करते रहिए एंड जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कंसिस्टेंसी आ जाए, विजिटर्स आने स्टार्ट हो जाए, तब आप ग्रो करने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पांच मेथड्स जो मैंने आपको बताए ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एंड लॉन्ग टर्म में ये सारे मेथड्स आप जब यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एफिलिएट मार्केटिंग करियर को आगे ले जाने में। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एंड इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।